वेलकम टू डिवाइन केयर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2 मिनट मसाज की, कि हम अपनी सोच को स्पष्ट करके, क्लियर करके कैसे अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। बहुत सिंपल सी एक मसाज बताऊंगी आपको, 2 पॉइंट पर आपको करनी होगी। और जब हम इस मसाज को रेगुलर करेंगे तो हमारे अंदर एक पावर, एक क्वालिटी बिल्ट होगी कि हमारे थॉट्स क्लियर होंगे, हम हर समय कन्फ्यूजन वाली स्टेट में नहीं रहेंगे और हमारी डिसीजन लेने की पावर भी बढ़ेगी। सबसे पहले आपको एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊंगी हमारे ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन का, TCM का, कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, वो हमारी सोच को स्पष्ट करती है। हमारे सामने कोई भी एक सिचुएशन आती है तो हम उसको एनालाइज कर पाते हैं ठीक से। तो ये जो हमारे अंदर क्वालिटी होती है कि हमारे थॉट्स में क्लियरिटी है, वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन अगर स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, तो उस पर्सन के अंदर ये क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। एंड हमने स्थिति को ठीक से एनालाइज कर लिया, हम समझ गए कि क्या कंडीशन है हमारे सामने, क्या सिचुएशन है, लेकिन तभी भी बहुत सारे लोगों में डिसीजन लेने की पावर नहीं होती, वो एक सही निर्णय नहीं ले पाते। तो ये काम हमारी बॉडी में जो गॉल ब्लैडर है उसका होता है। गॉल ब्लैडर ही हमारे अंदर उस पावर को बिल्ड करता है कि हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर आए। बहुत सिंपल से हैं दोनों पॉइंट। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पॉइंट है उसका नाम है SI5, स्मॉल इंटेस्टाइन का 5th पॉइंट एंड गॉल ब्लैडर का 40th पॉइंट, राइट। ये पॉइंट्स हमें हाथों में मिलेंगे, हाथों के बैक साइड, इंडेक्स फिंगर पर मिलेगा, टुवार्ड्स मिडल फिंगर, बीच वाले जॉइंट पर। देखिए, ये मैंने निशान लगा दिया है, ये है इसकी पोजीशन, SI5, स्मॉल इंटेस्टाइन का 5th पॉइंट है। एंड मिडल फिंगर में मिलेगा हमें सबसे ऊपर वाले जॉइंट पे, बिल्कुल सेंटर में, ये है GB40, राइट। तो हमें क्या करना है, वही इंडेक्स फिंगर और थंब का हम एक टाइट हुक बनाएं एंड पहले हम SI5 पे मसाज करेंगे। इस तरह से प्रेशर देते हुए हम मसाज करेंगे इसकी, एंड उसके बाद हम GB40 पे मसाज करेंगे, राइट। तो जो मैंने आपको इसका इफ़ेक्ट बताया कि हमारे थॉट में क्लियरिटी आएगी एंड हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी, राइट। ये हमें लेफ्ट हैंड में भी करना है एंड राइट हैंड में भी करना है। यहाँ भी मैं आपको निशान लगाकर दिखाती हूँ, ये देखिए, इस तरह से हम इसको राइट हैंड में भी लगा सकते हैं। ये मसाज हमें करीबन 2 मिनट करनी है और जब हम इसको रेगुलर करेंगे तो हमें जो हमारी ये पावर्स हैं ये बढ़ेंगी। हम इस मसाज को एनी टाइम एनी वेयर कर सकते हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको इन दोनों पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस मैं क्लियर करना चाहूँगी, कि जब बच्चे 10th 12th क्लासेस में होते हैं एंड एक भीड़ के साथ चल रहे होते हैं कि हमें मेडिकल की तैयारी करनी है या हमें इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, तो वहाँ वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होते हैं ज़्यादातर बच्चे अपने थॉट में कि उन्हें क्या करना है, अपने करियर क्या ऑप्ट करना है, राइट। तो एक तो हुई कि उनके अंदर क्लियरिटी नहीं है कि उन्हें करना क्या है, लेकिन हो सकता है बहुत सारे बच्चों में ये क्लियरिटी हो कि हमें क्या करना है, लेकिन उनके अंदर ये डिसीजन लेने की हिम्मत या पावर नहीं है कि वो ये सोच सकें कि हमें ये नहीं करना है, हमें दूसरी चीज़ करनी है, तो हम इन सब्जेक्ट्स को नहीं लेंगे या ये तैयारी नहीं करेंगे। वो ये बात कभी अपने पेरेंट्स से या अपने पेयर ग्रुप से कह ही नहीं पाते और वो एक प्रेशर में या एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट में उस चीज़ के पीछे चले जाते हैं जो कि उन्हें करना ही नहीं होता। ये 2 मिनट की मसाज हमारे लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत मायने रखती है। आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी, आप इस मसाज को अपनी लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी ला सकें। हमारी सभी वीडियोस हमारी ऐप और वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ऐप डिवाइन केयर के नाम से है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, आप वहां जाकर भी वीडियोस को देख सकते हैं।
आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।